हिंसा करने वालों से यूपी सरकार वसूलेगी पाई पाई, सीएम योगी का ऐलान। 55 लोग गिरफ्तार, दिल्ली में गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। हिंसा कराने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश। सीएम योगी ने विपक्ष को ठहराया हिंसा के लिए जिम्मेदार, कहा विपक्ष के संरक्षण में हुआ उपद्रव। अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार। लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शनकारी कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में दिल्ली में आज भी प्रदर्शन। जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक निकाला जाएगा मार्च। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, कड़े इंतजाम। दिल्ली में जामिया और जसोला विहार को छोड़कर खोले गए सभी मेट्रो स्टेशन। विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए 20 मेट्रो स्टेशन किए गए थे बंद। दिल्ली में आज भी कई रास्ते बंद। मथुरा रोड और कालंदी कुंज का रास्ता बंद। डीएनडी और अक्षरधाम रोड के इस्तेमाल की सलाह। नोएडा गाजियाबाद में मोबाइल इंटरनेट सेवा रोकी गई, सुबह 10 बजे तक ही रहेगी रोक। मध्य प्रदेश में सीएए के खिलाफ विरोध को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर, राज्य के 52 जिलों में 43 जिलों में धारा 144 लागू। अहमदाबाद और बनासकांठा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, हालात काबू में। ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून यूएन के जरिए जनमत संग्रह की मांग की, कहा 38% लोग देश की 62% नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकते। हिंसा के पीछे ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश बताया, कहा मुस्लिम टोपी पहनकर बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा फैला रहे हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन। एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। बॉलीवुड के कलाकारों ने भी जताया विरोध। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा शांतिपूर्ण विरोध को दबाना भारत की आत्मा को अपमानित करना है। भारत में दंगे की साजिश रच रही है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। हजारों व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नजर। यूपी के कई हिस्सों में आज भी इंटरनेट पर रोक। झारखंड में आज पांचवें और आखिरी चरण का मतदान। विधानसभा के 16 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 23 दिसंबर को मतगणना होगी। पीएम मोदी आज एसोचैम की वार्षिक आम सभा को संबोधित करेंगे। एसोचैम के 100 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। जनसंख्या नियंत्रण पर नीति आयोग तैयार करेगा ड्राफ्ट। आज सुबह 11 बजे होगी मीटिंग, एक्सपर्ट होंगे शामिल। दिल्ली में सर्द हवा के बाद घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। पालम में विजिबिलिटी 0 दर्ज। विमान सेवा की रफ्तार धीमी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का 23 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। शिवसेना गठबंधन दलों से कर सकती है बातचीत। उन्नाव रेप और अपहरण मामले में दोषी कुलदीप सेंगर के खिलाफ आज हो सकता है सजा का ऐलान। आज दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सजा पर बहस। अयोध्या समेत यूपी की अदालतों में नवंबर 2007 को हुए सीरियल ब्लास्ट पर आ जाएगा फैसला। जिला प्रशासन और पुलिस फैसले से पहले करने पहुंची मॉक ड्रिल। निर्भया के दोषी पवन को बड़ा झटका। वारदात के वक्त नाबालिग होने का दावा हाईकोर्ट ने खारिज किया। वकील एपी सिंह ने 25,000 वसूलने का आदेश। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट में भीषण आग। बॉयलर में मेंटेनेंस करते वक्त लगी आग। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।